हेलो मोबाइल न्यूज़ डॉट कॉम में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूंसी रटसन में हैं और रटसन विलेज में भी है, तो लाइव अपडेट्स आपके लिए। हमारे साथ जुड़ गए कुछ दोस्त, उनके साथ भी जानेंगे जो डीडीसी इलेक्शन है, इसकी अहमियत और इफादत क्या है। डीडीसी इलेक्शन का फिफ्थ फेज़ आज शदमत से जारी है, सुबह 7 बजे से अभी तक 1 बजे तकरीबन पौने 1 का टाइम है। तो इस वक्त लोगों में जोश खरोश के साथ लोग घरों से निकले, बुज़ुर्ग निकले, माएँ निकले, नौजवान निकले वोट डालने के लिए, अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। अगर हम बात करें इस डीडीसी इलेक्शन की, तो इसमें कितने वोटर्स की एक फहरिस्त है हमारे पास। इसमें तकरीबन जो डीडीसी वोटर्स है वो 20,000 के आसपास है, 20,052 के हैं। और अगर हम हलकों की बात करें, ये 15 हलकों पर मुश्तमिल है। और अगर हम बात करें पंच और सरपंचों की बात अगर हम करें, और 9,276 वोटों पर ये डीडीसी इलेक्शन और पंच और सरपंच इलेक्शन है। तो अपना नुमाइंदा लोग चुनते हैं, अब जो इनकी काम करे, जो इनकी सुनवाई करे, जो रोडों के हालात यहाँ पर है, जो बेसिक फैसल्टीज़ है, जो बेसिक नेसेसरीज है इंसान को, वो अभी तक उनके फुलफिल नहीं हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ से कुछ दोस्त जुड़े, उनके साथ भी जाने के क्या मामला थे, वोट क्यों डालते हैं वो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल वहीद आर। अब्दुल वहीद साहब, आपने आज वोट कास्ट किया क्या? जी सर, हमने किया है। क्या वोट आपने? जी सर, हमने तारगी के लिए वोट कास्ट किया है। यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट आया था, जो आधा रह गया, आधा कम हो गया, आधा नहीं हो गया, उनकी बिल हो गई तो वो आधा रह गया, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं कि हमारा अपना एक कैंडिडेट है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा ये अधूरा काम है ये पूरा करेंगे। रोड की प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है, यहाँ जो बिजली है वो आँख मचोली में जा रही है, यहाँ हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हम इसीलिए वोट कर रहे हैं कि हमारे जो काम अधूरे रह गए हैं उनको वो बराबर कर दें। आपका मानना है एक डेमोक्रेसी मुल्क में वोट के जरिए से ये काम मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी मुल्क में रहते हैं, ये हमें एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। डेमोक्रेसी मुल्क में वोट की वजह से डेवलपमेंट एक समाज और सोसाइटी को डेवलप हो सकता है? जी सर हाँ। अच्छा, आपका मानना है कि मतलब इसी से प्रॉब्लम आपकी जो भी बेसिक नेसेसरीज है वो फुलफिल हो जाए? हाँ, यही एक रास्ता है हमारे साथ सर, बस ये इसीलिए इसी से हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। वोट के जरिए से? वोट के जरिए से हो सकता है बस। अच्छा, आज तक आपने बहुत सारे वोट्स डाले हैं, तो आज तक अभी तक वो प्रॉब्लम हल? जी सर, हमारा अपना कैंडिडेट होता ही नहीं था। अच्छा। आज हमारा अपना कैंडिडेट है, हम उनसे उम्मीदें रखते हैं, वो हमारे उम्मीदों पर खड़े भी हो सकते होंगे, तो इसीलिए हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारा काम जरूर करेगा। क्या क्या प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? जी सर, यहाँ सारी प्रॉब्लम्स है, आप कितनी गिनाएंगे। हम खासकर जो प्रॉब्लम्स है रोड की है, बिजली की है, तो यहाँ पर जो हमारा ये मॉडर्न विलेज भी है सर, मैं कहना चाहता हूँ ये मॉडर्न विलेज, यहाँ कोई ऐसा कोचा नहीं है जहाँ टायर लगे हो, बस कीचड़ नजर आती है यहाँ सर। हाँ सर, अब इससे हम भरोसा इसी पे रखते हैं, हमारा जो कैंडिडेट है वो यही हमारा आपका काम मानना है। वही सब जो वोट डालते हैं इसी किस जरिए से है समाज में डेवलपमेंट मुमकिन है, तो बायकॉट बिल्कुल जायज नहीं? नहीं, बायकॉट नहीं करना चाहिए, अब हमारा अपना कैंडिडेट है, बायकॉट की जरूरत नहीं है। अब हाँ, आप अपनी कैंडिडेट की बात, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो बायकॉट नहीं होना चाहिए, बायकॉट से नुकसान है, एक आम इंसान को नुकसान है। आपकी तरफ से क्या मैसेज है लोगों को? यही मैसेज है कि आप निकलो अपने घरों से, वोट डालो बस। अच्छा, वोट डालो। जी सर। जी, आपका नाम? बिलाल अहमद सर। बिलाल अहमद, कहाँ रहते हो आप? बिलाल जी, ये रटसन में। रटसन में जी सर। तो क्या आज आपने वोट कास्ट किया है? जी सर, बिल्कुल किया। तो क्यों वोट कास्ट कर रहे हैं? इसलिए कि ताकि हम अपना नुमाइंदा चुने, बिल्कुल, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा आगे, जो हमारा काम कर सकते हैं, इसीलिए हमने वोट डाला। जी 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 सर। अच्छा, यानी आपका मानना है कि वोट की वजह से आपकी सोसाइटी डेवलप होने का? बिल्कुल, हम अपनी आवाज बिल्कुल अगर आला हुकाम तक पहुंचानी, तो सिर्फ बिल्कुल हमारा जो कैंडिडेट होगा, आवाम की रसाई आगे तक नहीं होती है सर। अच्छा सर। जो अगर हम डीसी के पास जाना हो या तहसीलदार के पास, वहां तक बिल्कुल हम कहते हैं कि आप आम इंसान के नाते आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यही मेरा कहना यही है कि हम अपना से क्या मैसेज है लोगों के? मैसेज यही है, जो आप हमारी आवाज इस वक्त हमारा वोट है, हम खुद समझते हैं, वी आर एनफ मैच्योर, हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन है। यानी धारा 370 के बाद एक पहला यहाँ पर इलेक्शन है, डीडीसी इलेक्शन है, डीडीसी इलेक्शन ये डेवलपमेंट इलेक्शन उसको कहा जाता है, तो आपका मानना है डेवलपमेंट इसी के जरिए से होगा? बिल्कुल इसी से होगी सर, बिल्कुल। हमारा यहाँ पे ब्लॉक भी है, अगर देखा जाए पिछले 90 से हाँ, तो आज तक हमारे गांव बिल्कुल, हाँ मैं बड़गाम की बात करूँ या बेरू तहसील की बात करूँ, खासकर बेरू कॉन्स्टिट्यूंस की बात करूँ, हर नज़र से पसमानदा नजर आई। वजह सिर्फ एक है, हमारा कोई नुमाइंदा आज तक नहीं रहा। जी सर, अपना नुमाइंदा जी सर, मतलब इसका क्या वजह है? बिल्कुल, वजह जो भी था कि पिछले साल जितने भी नुमाइंदे हैं, या तो वो अपोजिशन में आए थे, या तो कोई उनका कोई इनके पास कोई इक्तदार नहीं होता था, वजह यही वजह था। जी सर। अब आप आपने वोट कास्ट किया, तो आपको लग रहा है आज के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम? बिल्कुल, वी आर फुली एक्सपेक्टेड,
वी आर फुली एक्सपेक्ट सर, बिल्कुल सर। चलो हम भी उम्मीद रखते हैं जितने भी आपके मामलात हो और मसाइल हो वो आपकी वोट के जरिए से हल हो जाए। سن مطالبہ گھن پور سانی کامی گھن یہ وجہ ووٹ سے گھن نا اتنا مسل گھن حل کیا کیا معاملہ معاملہ سڑکن ہند معاملہ بجلی ہند معاملہ آب خوش مچ بچن رٹ رٹ سہولت تی لہٰذا نا زہن بالکل اتھ یہ وجہ نمائندہ اس صحیح آسان آن صحیح نمائندہ اس تمہ موجود تر اس ووٹ باقی نہیں بالکل کن موجود بائیکاٹ کرن چھ نہ حل کہ نہ بائیکاٹ کرن اس کہ تمام گام را بائیکاٹ کرن چھ نہ حل کہ ڈیموکریٹ نہ نہ بائیکاٹ کرن سے چھ نہ کان حل نیران نہ کان چھ معاملات کان گسان حل ہم سے چھ گسان سری معاملات باقی تبے تر اس اہم موجود ووٹ تر کہ امن گھر روزن اہن بیس امہ موجود ترا ووٹ کہ گامس من پاور نہ روڈ نہ نہ آب ٹھیک نہ ڈرینیج سسٹم ٹھیک یم پرابلم یت تو تو باسان اگر یہ ووٹ تراو ووٹ سی گھن معاملہ حل اہن اچھا تو ووٹ تراو اہن آج تم ووٹ تر مسلہ حل نہ آج تم ٹھیک کہین اہن تم ٹھیک کہین زور پہ کر ووٹ تر آمت کیا ووٹ تر ویسے باسان اگر ووٹ تر امہ فائدہ اچھا فائدہ گھن تھی ناؤ سمیرا تھی ووٹ تر فائدہ ضرورت ووٹ تراؤن سی مطلب ممکن یہ ڈیولپمنٹ غلام نبی ڈار ووٹ تر اسہ سڑکو وڑکو موجود یہ سا پیو اس پن کنڈکٹ کرن کھڑا کیا اس پرسان گاران کہیں اس زینان سہ پرسان کہیں تو یہ اس انشاء اللہ رحمان یہ سا پن کنڈکٹ تو لگ بھگ انشاء اللہ حضرت اس گھس یہ معاملہ اس سڑک چھ پاور آب چھ ستن ورین من اگر تھی ووٹ تر باسان تن پہ گئی کہیں ڈیولپمنٹ گئی نہ گئی حس مگر یہ گام یہ سا علاقہ بوڑھ مطلب یت ہوک نا پوشت کہیں تو یہ سا اس کرک نندر اندرجی یت من یہ سا ام موجود یہ سا ہوک نا اس زیادہ ایشور وہ انشاء اللہ رحمان یور کنڈکٹ پن تلمت تو انشاء اللہ اس امید بڑا امید یہ سا اس ہیکو یہ سا نم چیز گھن اس پاسبل آب پاور تو یہ سا بیہ سڑک اہن آ تھی باسان اکس سماجس من ووٹ تر سی ممکن اہن بالکل اس سماج سی گھس ان شاء اللہ رحمان امچ کوشش گھس کم گھن اس ووٹ تر بائیکاٹ کن چیز نا بالکل نا آج نا بائیکاٹ کن بالکل نا اس نا مجبور اس مجھ سڑک نا آب نا کان چیز نا اس کان چیز حضرت یہ سا ام کن مجبور پن کنڈکٹ یہ سا زین خاطر تیار تیار بہ تیار آ بالکل جناب ازک ووٹ سی باسان یہ اگر اس پرابلم آس گھس اس دور اس پن کنڈکٹ یور تل پنس گامس مز ان شاء اللہ اس امید یہ زین تو ووٹ نہ سڑک یت نہ پاور جناب یت نہ آب تو اس کا چیز یت بالکل آ جناب آج تم چھو تھی ووٹ ترمت ووٹ ونیک تین مگر پرچھک نس جناب کہین بالکل اس پرچھک نا کہین تیخ نظر انداز باسان آج تر ووٹ ان شاء اللہ سون مقصد یہ کہ اگر اس ووٹ کنس کنڈیٹس دمو سون مقصد یہ اس گھس وت گھس آن کھانا مشکلات گھس نا آن آب گھس آن پاور گھس آن یہ سون یہ سوری یہ اس سختی آ گھس گھن مان ژٕ حال
اسہ گژھن سخ تہ روزن کی ٹھیک بیس سون مقصد کہین اچھے ووٹ ترا امی موجود اہس سرپنچ پنچ سن مشکلات کر سی حل اس نش گان اہس یہ مشکلات یل سہ برہ کن کت پکن تو ات گھ سون مشکل اس ہوں پان کر کنڈیٹ سرپنچ چناون سہ ہے سن کت برہ پکن سون سرپنچ صوبہ ہے ڈی سی صوبس نش وت سی ہے سن مشکلات گڈنتھ مسلے یہ آب چھ ٹھیک کی بیس سڑک تہ ٹھیک کی ویٹن خاص کر ویٹنری اہس کی گامس من اہس گھس ویٹنری آن اہس پیوان تر کلو میٹر دور نین کہین گھسانی اہس ووت لگ بھگ دہ وری ون اہس دیتو ویٹنری یعنی گامس کہین دیوان